सीक्रेट ऑफ अल्टीमेट लिविंग के सभी दर्शक मित्रों का इस शो में बहुत स्वागत है। बॉलीवुड की फिल्में, फिल्मी सितारे, इनका बहुत गहरा असर भारत के आम इंसान पर है। उनको देखकर, उनसे प्रभावित होकर कहीं ना कहीं उसको अपने वास्तविक जीवन के साथ एक आदमी उसे जोड़ता है। वो जिस तरह से चलते, जिस तरह से गाते, ये सब कुछ उसका असर हमारे ऊपर है। हम देखते हैं कि गीत और संगीत से बॉलीवुड की फिल्में भरी पड़ी हैं, और उसका असर और भी ज़्यादा अधिक होता है जब उसको गीत और संगीत के साथ बताया जाता है। कई ऐसे गीत के बोल भी हैं जिसको हम अपने वास्तविक जीवन के साथ भी जोड़ते हैं। मुझे आज ऐसे ही एक गीत याद आ रहा है, हीना फिल्म से है, जिसमें वो हीरो कहता है कि मेरे जागने से पहले मेरी किस्मत सो जाती है, मैं देर नहीं करता देर हो जाती है। या फिर शराबी फिल्म से हम लेते हैं कि मैं सिर्फ पीता हूँ, कोई चोरी तो नहीं कर रहा हूँ। इन गीतों से हम क्या सीख रहे हैं, हमें क्या समझ में आता है कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैं कभी गलती करता ही नहीं हूँ। जो भी कारण है वो सारे बाहर हैं, चाहे वो मेरे दर्द का कारण हो सकता है, जो भी चीज़ें हैं, लेकिन मेरी जिम्मेदारी नहीं है, कोई और जिम्मेदार है। इस बात को हमने समझा, पहले भी चर्चा करने की कोशिश की, लेकिन आज इसको और गहराई से, इसके साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को हम और समझने की कोशिश करेंगे आज के इस एपिसोड में डॉक्टर सचिन के साथ। मैं उनका बहुत स्वागत करती हूँ। नमस्ते। ओम शांति। तो जैसे हम बात कर रहे थे अभी कि दोष मेरा नहीं है, मतलब मैं देर नहीं करता हूँ लेकिन देर हो जाती है, तो ये जो गीत के बोल हैं इसका असर तो होता ही है, लेकिन साथ में हमारे अपने बिलीफ सिस्टम भी ऐसे बने हुए हैं, तो इसमें आप क्या कहेंगे या साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इसका क्या है? ये जो आपने उदाहरण दिए बहुत अच्छे उदाहरण है। एक्चुअली ये गीत लिखे जाते हैं, वैसे कैरेक्टर को पोर्ट्रेट किया जाता है, मे बी वो फिल्म की वो डिमांड होगी, लेकिन इसका असर कहीं और हो रहा है आम जिंदगी पर, जो आपका कहने का भाव था, और लोग इसको कॉपी करते हैं। जो आपने शराबी का उदाहरण दिया वो मैं लूँगा, क्योंकि मेरे पास ये केसेस बहुत आते हैं, और हस्बैंड हमेशा कहता है कि मैं बंद करना चाहता हूँ, लेकिन ये मेरी जो पत्नी है ये इतना टेंशन देती है, बार बार बोलते रहती है, फिर मेरे से सहन नहीं होता, इसलिए मैं पीता हूँ, नहीं तो मेरे को ज़रूरत नहीं है। बहुत फेमस गीत बने हुए हैं जो फिल्म इंडस्ट्री में, या गज़ल से ऐसे बने हुए, मुझे एक गज़ल याद आती है, और लोग इसको गुनगुनाते, उसको ही करते रहते, उसी बिहेवियर को सस्टेन करते हैं। जैसे कि ये गज़ल है गुलाम अली जी की, हंगामा है क्यों आज, थोड़ी सी जो पीली है, डाका तो नहीं डाला, चोरी तो नहीं की है, तो ये बहुत फेमस गज़ल है। तो ये इसको हम कहते हैं कि खुद को सिद्ध करना, ये सब बातें जो है साइकोलॉजी में हम इसको कहते हैं ईगो डिफेंस मैकेनिज्म। इसके ऊपर काफ़ी सारा संशोधन हुआ है। साइकोलॉजी में सिगमंड फ्रॉयड का काफ़ी महत्व है। सिगमंड फ्रॉयड ने साइको एनालिसिस यानी मनोविश्लेषण की बहुत सारी थेरीज दी है, और इसने शुरुआत किया था, लेकिन उसकी बेटी एना फ्रॉयड ने, उसने इसके ऊपर काफ़ी काम किया है, और अभी इसको काफ़ी मात्रा में स्वीकार किया जाता है। ईगो डिफेंस मैकेनिज्म को हमको अच्छी तरह से समझना होगा कि ये क्या है। एक नॉर्मल इंसान को भी ये चीज़ समझ में आएगी, आ सकती है समझ में। वैसे तो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसको इस्तेमाल करते हैं, ये सब मैकेनिज्म है जो हम इस्तेमाल करते हैं, ये हम एक प्रकार का डिफेंस मैकेनिज्म है। डिफेंस हम किससे करते हैं, जब भी कोई हमारे ऊपर आपत्ति आती है या तनाव वाली परिस्थिति आती है, तो हम अपने को डिफेंड करने जाते हैं, माना अपने को सिद्ध करने जाते हैं कि मैं सही हूँ या मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ, और मैंने ये जो किया यही करना चाहिए था, मतलब उसको प्रूव करना है, हमारी हर एक्ट को प्रूव करना है। और ये जो डिफेंस मैकेनिज्म है, इसमें भी अलग अलग प्रकार के डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं। एक होते हैं मैच्योर डिफेंस मैकेनिज्म, जो सबको इस्तेमाल करना चाहिए और जो हमारी आंतरिक शक्तियों को बढ़ाते हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो, जैसे आपने उदाहरण दिया, ये हम न्यूरोटिक में डालते हैं या इमैच्योर डिफेंस मैकेनिज्म है, अपरिपक्व है, जो सबके माता पिता कहेंगे डिफेंस मैकेनिज्म के, और वो है जो बहुत कॉमनली इस्तेमाल किया जाता है, जब भी हमारे सामने परिस्थिति आती है, तनाव वाली परिस्थिति आती है, या कोई हमारे ऊपर दोष डालता है, तो हम सब इस मैकेनिज्म का इस्तेमाल करते हैं, वो है डिनाइल। डिनाइल में सब डिफेंस मैकेनिज्म आ जाते हैं, और डिनाइल का मतलब है
उसको मानना ही नहीं है, मानना ही नहीं कि मेरे के साथ ऐसा कोई प्रॉब्लम है करके। प्रॉब्लम मेरे में नहीं है, तुम्हारे में प्रॉब्लम है, बाहर प्रॉब्लम है। डिनायल, डिनायल माना स्वीकार ही नहीं करते कि कोई प्रॉब्लम है करके, जबकि दिखाई दे रहा है वो। जी और ऐसे व्यक्ति को ठीक करने में बहुत मुश्किल जाता है। हमारे साइकियाट्री में या जो मानसिक बीमारी आती है या जो भी प्रॉब्लम्स आते हैं, और जब उनको कहते हैं कि ऐसे ऐसी समस्या हमको दिखाई दे रही है, तो बहुत सारे साइकियाट्री बीमारी के पेशेंट मानते ही नहीं कि उनको बीमारी है। जी तो डिनायल ये मैकेनिज्म बहुत बड़ा मैकेनिज्म है, इसके ऊपर बहुत सारी चर्चा हो सकती है। क्योंकि वो उनके हिसाब से सही रहता है। हाँ, हर व्यक्ति अपने जगह पे ठीक है ऐसे कहते हैं, और यहाँ पे आध्यात्मिकता, साइकोलॉजी या जो भी चिकित्सा पद्धति है, उनके हर एक के अप्रोच में फर्क है। तो जी हम देखेंगे आध्यात्मिकता क्या कहती है, मनोचिकित्सा क्या कहती है, जी और इसको जो शब्द इस्तेमाल किया है वो साइकोलॉजी ने जो शब्द किया है वो ईगो डिफेंस मैकेनिज्म है। माना हर व्यक्ति अपने ईगो को डिफेंड करता है, माना हर व्यक्ति सिद्ध करने की कोशिश करता है कि कैसे वो जो भी कर रहा है वो ठीक कर रहा है। हाँ, लेकिन दुनिया में भी यही सिखाया जा रहा है कि आप अपने आप को सिद्ध करो तभी आप टिक पाएंगे। ये जो रैट रेस चल रही है, अगर आप हाँ उसमें अपने आप को बार बार नीचे गिराने की कोशिश करेंगे तो आपका सेल्फ एस्टीम डाउन हो जाएगा। ये भी एक बिलीफ है जो आपने अभी कहा। जी तो अगर आपने अपने आप को डिफेंड नहीं किया तो आपका महत्व कम हो जाएगा, आप इस रेस में पीछे पड़ जाएंगे, और आपको जो भी फायदे मिलने चाहिए वो नहीं मिलेंगे। ये साइकोलॉजी के हिसाब से या लोग बिलीफ सिस्टम के हिसाब से ऐसा मानते हैं, लेकिन आध्यात्मिकता यहाँ पे कहीं और सोचती है। जिसको ईगो कहा गया है उसको भी लोग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। जैसे ईगो बुरा है ऐसे लोग मानते हैं कि ईगो अच्छा नहीं है, लेकिन साइकोलॉजी में ये जो साइको एनालिसिस जो है, मनोविश्लेषण, इसके अनुसार ईगो एक बहुत ही हेल्दी कंसेप्ट है। जी ईगो हमेशा बुरा नहीं होता है। और आध्यात्मिकता में ईगो को जो शब्द आया है वो है अहंकार। अभी अहंकार अशुद्ध होता है तो शुद्ध अहंकार भी होता है, ऐसे ही ईगो में हेल्दी ईगो होता है और अनहेल्दी ईगो होता है। तो हेल्दी ईगो को ही हम दूसरी भाषा में सम्मान या सेल्फ रेस्पेक्ट कहते हैं। अच्छा लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज इसमें है कि कब हम बाउंड्री क्रॉस कर लेते हैं हमको समझ में नहीं आता है। इसके लिए हम ईगो को ज़्यादातर लोग निगेटिव मानते हैं, क्योंकि वो बाउंड्री क्रॉस हो जाती है, जी होता अशुद्ध अहंकार है। हेल्दी ईगो को हम स्वमान कहेंगे हाँ, हेल्दी ईगो को समान कहेंगे, और जो नेगेटिव ईगो है वो हमारा अहंकार या अहंकार अभिमान है। है या अभिमान है जिसको सिद्ध करना पर ये। कैसे पता चले? वही बहुत हाँ, थिन लाइन है, बहुत थिन बाउंड्री है, कैसे पता चले? इसको शायद हमने पहले भी देखा है कि अगर आपके अंदर हेल्दी ईगो है तो आप कभी भी अपने आप को ज़्यादा सिद्ध नहीं करेंगे, अच्छा क्योंकि ये सब लोग स्वीकार करते हैं, स्पिरिचुअलिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट, कि जब आप ज़्यादा सिद्ध करने जाते हो तो हमारी बहुत सारी एनर्जी उसमें जाती है, और बॉटम लाइन लास्ट जो फीलिंग है हमारे अंदर वो पॉजिटिव नहीं रहती है। सिंपल तरीका है इस चीज़ को समझने के लिए कि आपको सिद्ध बहुत नहीं करना है। जहाँ पर आपको लगता है कि आप सही है, फिर भी सामने वाला समझ नहीं रहा है उस बात को, तो आपको सिद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। सिद्ध करने की ज़रूरत होती ही नहीं है स्पिरिचुअलिटी के अनुसार। और हमको शिव बाबा ने, परमात्मा ने बहुत अच्छी बात सुनाई। कई लोग समझते हैं कि मैं तो हीरा हूँ लेकिन लोग मेरे को नहीं समझते हैं, मेरी तो अच्छी चमक है लेकिन लोगों को पता नहीं चलता है। तो बाबा ने कहा, अगर हीरा मिट्टी में भी है तो भी अपनी चमक दिखाएगा, जी लेकिन जैसे ही आप सिद्ध करने जाते हो कि आप हीरा हो, तब समझने का कुछ तो गड़बड़ है। जैसे सूर्य को सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं रहती है, जी सूर्य स्वयं में सिद्ध है। ये जरूर हो सकता है कि सूर्य के सामने थोड़े समय के लिए बादल आ जाते हैं, सूर्य का प्रकाश छिप जाता है, लेकिन सूर्य को कुछ नहीं करना है, वो बादल चले जाएंगे, ठीक है ना। तो जब भी हम ज़्यादा डिफेंड करने जाते हैं जी तो समझने का कुछ गड़बड़ है। होता क्या है, जैसे ही हमारे ऊपर कोई आरोप लगाता है या कोई ऐसी बात कहता है जो मुझे लगता है कि नहीं है वैसा, तो अगर आप हेल्दी ईगो वाले हैं, आप स्वमान वाले हैं, सेल्फ रेस्पेक्ट में रहने वाले, तो आप उसमें नहीं जाएंगे।
क्योंकि आपको पता है आप राइट है, अनलेस सामने वाला आपको पूछता है तभी आप बताएंगे, अदरवाइज यू विल कीप क्वाइट, क्योंकि आपको पता है सिद्ध करने से मेरी एनर्जी जाएगी और वो सामने वाला अगर समझना नहीं चाहता है तो उसको समझाने का कोई मतलब नहीं। तो इससे हमारा हेल्दी ईगो जो है वो मेंटेन रहेगा, मतलब आपका सेल्फ एस्टीम भी डाउन नहीं होगा और आपकी एनर्जी इतना वेस्ट नहीं होगी जिसकी वजह से आपकी फीलिंग। हम यहाँ पे ईगो डिफेंस मैकेनिज्म की बात इसलिए कह रहे हैं कि मेजॉरिटी लोग जो डिफेंस मैकेनिज्म इस्तेमाल करते हैं वो पॉजिटिव नहीं इस्तेमाल करते हैं। हम उसको साइकोलॉजी में माल एडेप्टिव बिहेवियर कहते हैं, माना आप एडप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी व्यक्ति कुछ भी करता है, जैसे आपने जो उदाहरण दिए कि वो अपने ईगो को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैं ऐसा इसलिए करता हूँ क्योंकि सामने वाले ऐसे करते हैं। जी मैं देर नहीं करता, देर हो जाती देर हो जाती है, ये हो जाना हो जाना शब्द भी बहुत इंटरेस्टिंग है। कई बार अभी यहाँ पे किसी की टिका नहीं है जो ये हो जाने वाले शब्द के ऊपर मैं आता हूँ। कई बार खाने में नमक ज़्यादा हो जाता है तो जो भी खाना बनाने वाला है, अभी बहने हैं या भाई है, वो ये नहीं कहते कि नमक ज़्यादा हो गया, वो कहते हैं कि गिर गया ज़्यादा, आला ऐसा नहीं कहेंगे। ज्यादातर हमारी जो भाषा है ना उसमें हम जिम्मेवारी नहीं उठाते हैं, जल्दी नहीं उठाते। हाँ। शायद हो सकता है बहुत टाइम के बाद हम उसको उठाएं, कई बार ऐसा भी होता है। ये क्या होता है, धीरे धीरे करके हमारे वोकैबुलरी, हमारे शब्दकोश में वो शब्द आ गए हैं कि हो गया, मैंने किया ऐसे नहीं कहते लोग। और जब तक आप अपनी भाषा को नहीं बदलेंगे कि मैंने किया, तब तक आपका वो संस्कार वो आदत नहीं बदल सकती है। लेकिन हो गया और मैंने किया, हो गया में कहीं ना कहीं हमारा इंटेंशन नहीं रहता है। ये हो सकता है मैंने किया में इंटेंशनली किया है ऐसा, या हो गया अनइंटेंशनली हो गया, फिर मैंने जिम्मेदारी उठाई कि हाँ मैंने किया। बिल्कुल ठीक। उस समय जैसे मैं उदाहरण देता हूँ ब्रह्मा कुमार में, ब्रह्मा बाबा जिन्होंने दादियों के हमारे पालना दे, तो योग हमारा है उसका प्रूफ क्या है कि मेरा मेडिटेशन अच्छा है, मेरा योग अच्छा है। भगवद गीता में भी दूसरे अध्याय में एक श्लोक आता है, योग कर्मसु कौशलम, माना योग वो जो आपके कर्मों में कुशलता रहा है। तो हमारे दादियों ने उदाहरण है हमको बताया कि जब वो गर्म पानी उठा रहे थे तो रखते वक्त उनके हाथ से थोड़ा पानी गिर गया, गर्म पानी, और ब्रह्मा बाबा ने उनको देख लिया तो बाबा ने तुरंत कहा कि बच्ची का योग नहीं है। माना उस समय बाबा ये चाहता है कि आपका कर्मों के ऊपर अटेंशन होना चाहिए। अनइंटेंशनली हुआ, लेकिन हुआ तो सही ना, अनइंटेंशनली हुआ माना उस समय आपका अटेंशन नहीं था कर्मों के ऊपर, आप समझ रहे। अगर मेरा अटेंशन है तो ये चीजें होने के चांसेस कम है, तो उस समय बुरा मानने के बजाय उसको पॉजिटिव ले लेना चाहिए। अच्छा मेरे से गिर गया ज्यादा क्योंकि मेरा उस समय अटेंशन नहीं था। और ये क्वाइट पॉसिबल है आज के जमाने में कि बहुत लोगों का काम करते समय अटेंशन कम हो जाता है, ध्यान नहीं रहता, ध्यान नहीं रहता है वही, इसलिए ध्यान की जरूरत है। मेडिटेशन वही पे काम करता है। हमने देखा कि बहुत सारे लोग अपना मोबाइल चश्मा ये सब भूल जाते, चाबी गाड़ी की रूम की कहाँ रखते, क्योंकि जब वो रख रहे होते उस समय अटेंशन नहीं है। तो बात वही की है, अटेंशन की है। तो अनइंटेंशनली भी हो गया ना तो भी हमको जिम्मेवारी उठानी चाहिए उसके। अभी और एक केस बताते हैं ताकि लोगों को समझ में आए। अभी मुंबई में, हम मुंबई से, तो मुंबई में लोग रेलवे से ट्रैवल करते हैं, ठीक है। एक नया भाई मुंबई में आया, ठीक है, उसने टिकट निकाला है और वो देख रहा है ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रहा है, तो बहुत भीड़ है, माना इतनी भीड़ है कि उसको घुसने की हिम्मत नहीं कर रहा है। तो उसने सोचा कि शायद ये ट्रेन का कुछ प्रॉब्लम होगा, अगली ट्रेन खाली आएगी उसमें मैं चढ़ जाऊंगा। फिर देखा अगली ट्रेन भी उतनी भरी हुई है, तीन ट्रेन हो गए, तो बता इसमें तो घुसना मुश्किल है मेरे लिए सामान लेके। फिर उसने देखा कि जो अगली ट्रेन आई बाकी सब डिब्बे भरे हुए पर एक जो डिब्बा है वो खाली है। तो वो कहने क्या लोग पागल है, ये खाली डब्बा छोड़ दे मैं उसमें घुस जाता हूँ। अभी वो घुस गया उसमें, उसको पता नहीं वो फर्स्ट क्लास का है, पहली बार ट्रेन में चढ़ा। तो टीसी आए तो टीसी ने बोला टिकट दिखाओ, तो उसने टिकट दिखाया, मैं बगैर टिकट का बिल्कुल ट्रैवल नहीं करता, हमेशा टिकट, मैंने टिकट निकाला है, टिकट दिखाया। टीसी बोलता नहीं ये इसका नहीं है, ये तो सेकेंड क्लास का है, आप फर्स्ट क्लास में।
बोलता मेरे को पता नहीं था, जी अभी टीसी उसको छोड़ेगा क्या, अनइंटेंशनली हुआ, उसको कायदा पता नहीं है। आपको कायदा पता नहीं है लेकिन आपको उसमें से छूट नहीं मिल सकती ना, क्योंकि जी आपसे गलती हो गई है, जी तो ही हैड टू पे द फाइन। तो आपसे भले अनइंटेंशनली हुआ है, आपको कायदा नहीं पता, पर आपसे कर्म तो हो गया ना, तो अनइंटेंशनली हुआ लेकिन उसका रिकॉर्डिंग तो हो गया अंदर, तो आप सही है उसमें से सटली भी छूट नहीं सकते हैं। ये है स्पिरिचुअलिटी हमको सिखाते जी। हैं। तो हो गया या मैंने किया, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम जो हो गया नहीं लेकिन मैंने किया उसकी हाँ, जिम्मेदारी हम लें। जिम्मेदारी, यहाँ पे किसी का इंसल्ट या अपमान करने की बात नहीं है। जब तक हम अपने शब्द कोश को नहीं बदलेंगे कि मेरे से हो गया या मैंने किया, ये मैंने जानबूझ के नहीं किया, ऐसे जरूर कहे कि मैं जाते वक्त मेरा अटेंशन नहीं था, ऐसे हाँ बोले, हाँ है ना। जी तो जिम्मेवारी उठाते हैं तब ये डिफेंस मैकेनिज्म बदल सकते हैं और मैच्योरिटी में आ सकते हैं। तो यहाँ पे जो हो गया उसके जगह के अगर हम कहते हैं कि मेरे से अनइंटेंशनली हुआ है, तो वहाँ पे आप जिम्मेवारी उठा रहे हैं, जी और जिम्मेवारी उठाना कभी भी अच्छी बात है। जी तो ईगो डिफेंस मैकेनिज्म हमारे अंदर इतने पक्के हो गए हैं, नेचुरली आ जाते हैं। अगर कोई झूठ लंबे समय तक बोला जाए ना, तो वो झूठ नहीं लगता है, वो सच हो जाता है। हाँ, क्योंकि आपके लिए वो एक नेचुरल होना शुरू हो जाता है ना, वही चीज़ आपको लगता है वही सही है। हम आम जिंदगी में भी देखते हैं इसी बात को, जैसे आपने एक पहले डिफेंस मैकेनिज्म की बात की, डिनायल है ना, कि स्वीकारना ही नहीं है, मानना ही नहीं है उस बात को। ऐसे और भी कई प्रकार के होंगे, बहुत सारे कौन हैं। कौन से टाइप जो हम डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं और हमें पता नहीं है कि ये डिफेंस मैकेनिज्म हम यूज़ कर रहे हैं। सबसे कॉमन डिफेंस मैकेनिज्म जो डिनायल के साथ जाती है, वो मैकेनिज्म ये है, हम सब उसको इस्तेमाल करते हैं। बहुत कम व्यक्ति है जो इसको इस्तेमाल नहीं करते होंगे, और वो मैकेनिज्म है झूठ बोलना। अच्छा झूठ बोलना ये बहुत बड़ी डिफेंस मैकेनिज्म है। अभी इसके ऊपर हम पूरा ये एपिसोड ले सकते हैं कि जी, व्यक्ति झूठ क्यों बोलता है, झूठ क्यों बोलते हैं लोग, अपने आप को बचाने के लिए, कि क्या कहीं ना कहीं बचाने। उसको है ना, उसको पनिशमेंट ना मिले। जैसे बच्चे, स्पेशली बच्चे, हम बच्चों को जब पूछते हैं तो बच्चे कहते हैं पनिशमेंट से बहुत डर लगता है। बड़ों को अपना इमेज या स्टेटस कहीं कम ना हो जाए इसके लिए। हाँ, तो वही ना, बचाने के लिए। आप किसको बचा रहे हैं उस समय? अपने ईगो को बचा रहे हैं। ईगो माना आपका एक सेल्फ इमेज अपने अपने प्रति क्रिएट किया है कि मैं को पनिशमेंट नहीं मिले। पनिशमेंट या अलग तरह, बच्चों को पनिशमेंट मिलती है, बड़ों को भी पनिशमेंट मिलती है, डांट सबको पड़ती है ना। पनिशमेंट के अलग अलग प्रकार जी होते हैं। जी तो झूठ बोलना ये डिफेंस मैकेनिज्म है, क्योंकि झूठ बोलने से क्या होता है, उस समय के लिए मैं अपनी एंग्जाइटी को, जो स्ट्रेस है, उससे अपने आप को बचाता हूँ। मैं उस समय अपने आप को डिफेंड कर रहा हूँ झूठ बोल के। और सबसे बड़ा आश्चर्य मुझे तब लगा कि जब काउंसलिंग में हूँ, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं काउंसलिंग के लिए, अपने एपिसोड देख के भी कई लोग फ़ोन करते हैं, जी और पर्सनली तो मिलते ही है कई सारे। तो आपको आश्चर्य लगेगा, सबसे कॉमन झूठ जो बोला जाता है उसके ऊपर भी संशोधन हुआ है। और सबसे कॉमन झूठ जो बोला जाता है वो क्या होगा, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं? नहीं, सबसे कॉमन झूठ है कि मैं ठीक हूँ। दिखाई दे रहा है कि टेंशन है, स्ट्रेस है, और जब हम पूछते हैं कि कोई प्रॉब्लम है क्या आपको, तो लोग डिनायल मोड में रहते हैं और कहते हैं कि नहीं, मैं ठीक हूँ। क्योंकि वो सबको नहीं ओपन करवाना चाहते, सबके सामने नहीं वो बताना डिफेंड कर चाहते। रहे हैं उसी समय। वही मैं कह रहा हूँ, यहाँ पे हमको अलर्ट होके स्वीकार कर लेना चाहिए, क्योंकि तब तक आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। क्योंकि आप जब तक डिनायल मोड में हैं और आप झूठ बोल रहे हैं, आपकी शक्ति नहीं बढ़ सकती। झूठ व्यक्ति इसलिए बोलता है कि परिस्थिति का सामना करने की शक्ति नहीं है उसमें। उसके बाद जो हो गया उसको फेस करने की पावर नहीं है, सामना करने की शक्ति, जो कुछ भी होने वाला है उसको सहन करने की शक्ति नहीं है। जी और जो आपने कहा ना, मेरी एक इमेज बनी हुई है, उस इमेज से मैं नीचे गिर जाऊं, इसका डर है, जी आत्म बल की कमी है। वहां पे ही मेडिटेशन काम करता है। वो मतलब वो जो हमारा ईगो है, हमने अपने माइंड से क्रिएट किया हुआ अपना ही एक ऐसा पिक्चर, जिस पिक्चर को हम थोड़ा सा भी ब्लर भी नहीं करना चाहते कि कहीं वो पिक्चर हमारा ख़राब ना हो जाए, जो मेरी अपनी आँखों में, चाहे मैं इसकी चिंता नहीं करती हूँ कि किसी और की आँखों में वो इमेज क्या हो सकती है अगर बाद में पता चले,
झूठ बोलने से। यहाँ पे दो चीजें हैं, आपने बहुत अच्छा कहा, एक मैंने अपनी इमेज बनाई है जो मुझे लगती है सही है, और एक दूसरों की अंदर मेरे प्रति इमेज बनी हुई है, ठीक है ना। इट मे बी सेम और इट मे बी डिफरेंट, लेकिन उसको धक्का नहीं लगना चाहिए। मतलब बार बार हम उसको बचाने की कोशिश करते हैं और पूरा दिन हमारा यही प्रयास है, और इसमें बहुत सारा नुकसान अंदर हो रहा होता है, बाहर से पता नहीं चलता है, लेकिन लंबे समय तक अगर ये रॉन्ग इमेज या झूठी इमेज लेकर हम चलते हैं, उसको पकड़ के चलते हैं और इसको ही डिफेंड करते रहते हैं बार बार, मैं सीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, इंजीनियर हूँ, या मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैं समझदार हूँ, मुझे काम अच्छी तरह से आता है, मेरे जैसे ये सेवा कोई नहीं कर सकता है, ये सब जो है ना इसको डिफेंड करते रहते हैं। क्योंकि जैसे आपने कहा रैट रेस है, तो मुझे अपने आप को ऐसे लेवल पर रखना है, लेकिन हमको शिव बाबा ने बताया कि सच की नाव है, हिलती डुलती है, डूबेगी नहीं, और झूठ की नाव है ना, शुरुआत में आपको लगेगा कि जीत रहे, लास्ट मोमेंट में वो कोलैप्स हो जाती है। यहाँ पर हम इस एपिसोड को इसलिए ले रहे हैं कि हम अपने डिफेंस मैकेनिज्म के प्रति जागरूक हो जाए, और अल्टीमेटली हम वैल्यूज के ऊपर आते हैं। तो झूठ बोलना अगर मेरा कॉमन डिफेंस मैकेनिज्म है, और उससे भले मैं थोड़े समय के लिए जीत जाता हूँ, मेरी इमेज अच्छी रहती है, लेकिन लंबे समय में मेरा नुकसान है, तो मुझे उस डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में सोचना चाहिए कि अभी तक मैंने झूठ बोल के यहाँ तक पहुँच गया, लेकिन क्या ये डिफेंस मैकेनिज्म सही है, क्या इससे मेरा फ़ायदा हो रहा है सचमुच में, आप सोचो। क्योंकि झूठ बोलने वाला व्यक्ति रिलैक्स नहीं रह सकता, संघर्ष क्यों चलता रहेगा, कि टेंशन उसको आना ही है, आज नहीं तो कल। टेंशन इसलिए आएगा कि समझो आपने मेरे को कुछ झूठ बोला या मैंने आपको झूठ बोला, तो मुझे ध्यान में रखना पड़ता है कि मैंने क्या झूठ बोला, और जितने ज़्यादा लोगों को मैं बोलूँगा तो मुझे हर एक के साथ याद रखना पड़ेगा कि मैंने इसको ये बोला, और अगले बार मुझे मेरा स्टेटमेंट चेंज नहीं करना है, क्योंकि मेरे लिए तो अनेक लोग हैं लेकिन आपके लिए मैं अकेला हूँ। तो अगर मैं उससे चेंज हो जाता हूँ तो लोग तुरंत पकड़ा, पिछले बार तो तुमने ऐसा बोला था, तो वो याद रखने का भी स्ट्रेस होता है, झूठ बोलने के लिए भी टेंशन आता है जी। और आजकल तो ऐसे मशीन है जिसको हम लाई डिटेक्टर कहते हैं, वो डिटेक्ट करते हैं कि आपके बॉडी में चेंजेस होते हैं करके। तो ये डिफेंस मैकेनिज्म के बारे में हम ये कह रहे हैं कि जितना हो सके थोड़े समय के लिए आपने इसको इस्तेमाल किया, ठीक है, लंबे समय के लिए और परमानेंटली इसको इस्तेमाल नहीं करे, जितना हो सके इसको निकाल दे, समझने की कोशिश करें जितना हो सके जल्दी। हाँ, अगर हम इसको समझेंगे कि किस तरह के डिफेंस मैकेनिज्म हम यूज कर रहे हैं, तो हम इसमें से जल्दी बाहर निकल सकते हैं। ये बहुत बड़ा विश्व है, हमारे अंदर समुंदर की तरह है, हमारे अनकॉन्शियस में। शायद अगले एपिसोड में हम इसके बारे में और डिटेल में जाएंगे कि कैसे ये डिफेंस मैकेनिज्म तैयार होते हैं और क्यों हमको मैच्योर डिफेंस मैकेनिज्म का इस्तेमाल करना चाहिए। आज के एपिसोड में हम इतना ही रखेंगे कि तनाव आता है तो हम जो कुछ भी करते हैं अपने स्ट्रेस को कम करने के लिए, वो हमारे डिफेंस मैकेनिज्म है, और उसको हम मैच्योर रीति से इस्तेमाल करना चाहिए, ना कि न्यूरोटिक। तो झूठ बोलना ये हेल्दी मैकेनिज्म नहीं है, वैसे ही डिनायल मोड में रहना ये भी हेल्दी नहीं है। थोड़े समय के लिए कभी आपने इमरजेंसी में यूज़ किया, ठीक है, लेकिन जल्दी से जल्द इसमें से निकल आए और मेडिटेशन से अपने आत्मिक बल को बढ़ाए, तो हम परिस्थिति कैसे भी हो उसका सामना करके उसके ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं। जी, बहुत सुंदर, आज की पूरी बातचीत के लिए आपने कई चीज़ों को इसमें हमको क्लियर करवाया है आज के एपिसोड में, कि किस तरह से डिफेंस मैकेनिज्म एग्जैक्टली होता क्या है और कैसे ये डेवलप होता है, या कौन कौन से एक दो डिफेंस मैकेनिज्म हमने आज देखे। तो आपकी पूरी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। आज की पूरी बातचीत में हमें ये ध्यान में आया कि किस तरह से डिफेंस मैकेनिज्म एक इंसान यूज़ करता है, यानी अपने आप को बचाने के लिए, अपने ईगो को डिफेंड करने के लिए, उसे उस इमेज को संभालने के लिए अलग अलग तरीकों का इंसान इस्तेमाल करता है। लेकिन उसको हमने समझा, आध्यात्मिकता में भी ईगो का यूज़ होता है, इस शब्द का प्रयोग होता है, लेकिन हम उसे हमेशा अहंकार यानी नेगेटिव ईगो के रूप में देखते हैं। और साइकोलॉजी में ये बताया गया कि पॉजिटिव ईगो भी है, यानी कि अपने आप को बचाने के लिए इंसान एक रीति से
कहीं ना कहीं हेल्दी डिफेंस भी करता है। तो उसको हमने जाना, दो टाइप हमने देखे कि कैसे डिनायल और झूठ दोनों का इस्तेमाल इंसान करता है, लेकिन उसको हेल्दी की तरफ ले जाने के लिए हम आगे चर्चा करेंगे अगले एपिसोड में। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं या तो फ़ोन से संपर्क कर सकते हैं। मुझे इजाज़त दीजिए, हम फिर से मिलेंगे। नमस्ते।